हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ग्रीन बिजनेस। और ये जो टॉपिक है ये आप में से ही एक व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया है। बिना लेट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं ग्रीन बिजनेस होता क्या है, कैसे ये नॉर्मल बिजनेस से डिफरेंट है और वेदर ये नॉर्मल बिजनेस से डिफरेंट है भी या नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रीन बिजनेस होता क्या है। व्हाट इज़ ग्रीन बिजनेस? बिजनेस दैट हैज़ मिनिमल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, ऑल्सो नोन एज सस्टेनेबल बिजनेस। नाउ बिजनेस इट मीन्स, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखे हैं तो आपको बिजनेस के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो मेक श्योर आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ सबसे पहले हम जानते हैं बिजनेस क्या होता है। एक नॉर्मल से कॉमन से सेंटेंस में अगर बोले तो बिजनेस वही है किसी भी सामान को, किसी भी सर्विस को कम पैसे में खरीदना, कम पैसे में अपने पास होना और उसको ज़्यादा पैसे में सामने वाले को बेच देना, और दोनों के बीच का जो मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट, वो आपका इनकम। तो ये हो गया आपका बिजनेस। अब ये प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो मेजर मोटिव होता है बिजनेस का, वो क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में जो नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको सिर्फ अपने ग्रीड के कारण या अपने प्रॉफिट मेकिंग, मोर एंड मोर प्रॉफिट मेकिंग के कारण वो एनवायरमेंट पर ध्यान नहीं देते। और जिस कारण हम देख रहे हैं कि आज के समय में बिजनेस के कारण, फैक्ट्रीज़ के कारण, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के कारण हमारे एनवायरमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। तो जिस कारण गवर्नमेंट ने, या फिर आप कह सकते हैं कि आज के समय में एक नया ट्रेंड चला है ग्रीन बिजनेस का, जिससे एनवायरमेंट पे मिनिमल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इट मीन्स जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, जो एनवायरमेंट को जो हार्म पहुंच रहा है बिजनेस के कारण, चाहे वो फैक्ट्री से निकल रहे धुएं हो, या फिर जो फैक्ट्रीज़ का वेस्ट आपके रिवर्स में जा कर के मिलता है, या फिर लैंड पॉल्यूशन हो रहा हो, जो प्लास्टिक्स हम इधर उधर फेंक देते हैं, जो डिग्रेडेट नहीं हो पाता है सॉइल में, तो जिस कारण इस चीज़ों को स्टॉप करने के लिए एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंट पे कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, और ये चीज़ को ध्यान में रख कर के बिजनेस जो करते हैं वो ग्रीन बिजनेस कहलाता है। सस्टेनेबल बिजनेस मीन्स सस्टेनेबल फ्यूचर का सोचते हुए, फ्यूचर में जो कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें, उससे फ्यूचर में एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी कोई बिजनेस कर रहे हैं जिससे फैक्ट्री से धुएं निकल रहे हैं, या फिर आपकी जो फैक्ट्री है उससे धुएं निकल रहे हैं, या फिर आप प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिस कारण क्या होगा, एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं वो निगेटिव इम्पैक्ट करेगा, एनवायरमेंट को हार्म पहुँच रहा है जिस कारण। तो उस चीज़ को स्टॉप करते हुए, उस चीज़ को मिनिमम करते हुए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आपका बिजनेस है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करना, जैसे नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना, फ्यूल जो है वो इको फ्रेंडली फ्यूल यूज़ करना, जैसे आजकल जो हम CNG यूज़ करते हैं, ग्रीन एनर्जी यूज़ करना, जैसे सोलर पावर का यूज़ करना, और नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना, 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स, या फिर इको सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, जो गवर्नमेंट जिस प्रोडक्ट्स को सर्टिफाइड करती है कि दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट गोइंग टू हार्म द एनवायरमेंट, और उस प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना ग्रीन बिजनेस कहलाता है। अगर एक सर्वे की बात करें तो सर्वे के अकॉर्डिंग आने वाले समय में, अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे, बाय 2050 जो ओशंस हैं वो प्लास्टिक से ज़्यादा भर जाएंगे एज़ कम्पेयर टू फिश। तो आप यहाँ अज्यूम कर सकते हैं, यू कैन कनेक्ट दैट हाउ मच और ऑन व्हाट लेवल और ऑन व्हाट स्केल वी आर हार्मिंग द एनवायरमेंट। हम किस तरह से, किस स्केल पे, किस स्तर पे एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान में रख के आज के समय में ग्रीन बिजनेस ज़रूरी है। आई होप ये टर्म जो है आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।